हे गाइस, हेलो, कैसे हैं आप? वेलकम बैक फ्लाई एकेडमी। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें जब कोई भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो नया सब्सटेंस बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जब भी कोई दो सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा, मोर देन टू, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस गेट रिएक्टेड, जब वो रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो नए सब्सटेंस को बनाते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए कि जैसे आपका क्या बनता है, जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट विथ क्लोरीन, मैग्नीशियम है जो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक मैग्नीशियम एक सब्सटेंस है, दूसरा सब्सटेंस आपका क्लोरीन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे। तो ये बिल्कुल नया सब्सटेंस बनाते हैं, ये चीज़ आई है आपको समझ में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये था केमिकल रिएक्शन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई है, तो हम जो सिंबल, ये मैं इसको आगे बताऊँगा क्या हम करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन का पता कैसे चलेगा कि भाई ये चीज़ हो गई है, तो कुछ तो पता, कुछ तो इंडिकेटर्स, कुछ तो चीज़ होगी जिससे हमें पता चल सके कि रिएक्शन हो गई है। तो जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। पांच तरह की चीज़ें होती हैं। पहला होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कोई गैस निकलने लगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो गई है, या फिर कह सकते हैं कि अपन चेंज इन स्टेट चेंज हो जाए, जैसे लिक्विड, गैस, कुछ भी स्टेट में क्या हो जाए, चेंज हो जाए उसका। तीसरा, जैसे कि उसका या तो कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, जैसे प्रेसिपिटेट मतलब हम कह सकते हैं कोई परत में होना कोई चीज़, जैसे दूध में मलाई हम समझ सकते हैं प्रेसिपिटेट, ये फॉर्म हो जाए, या फिर टेम्परेचर में चेंज हो जाए, टेम्परेचर में चेंज होना भी आपका रिएक्शन का पता चल जाता है कि रिएक्शन हो गई है, या फिर हमें पता चल जाए कि भैया उसका कलर चेंज हो गया, कलर चेंज होने का मतलब भी होता है कि रिएक्शन हो गई है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इससे हम करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, यहाँ पे आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके पांच कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का बनना, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। जैसे कि पहला है, जैसा अगर हम कोई भी दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस की क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन कराते हैं तो होता है क्या है कि यहाँ पे जैसे ही उसमें से, जैसे ही हमने किसी जिसमें भी हमने कंटेनर में, बीकर में हमने उस रिएक्शन को करा रहे होते, तो उसमें से क्या होते हैं, बबल्स फॉर्म में जो भी गैस होती है वो निकलने लगती, तो हमें बबल बन गैसेज होती, तो इसके बाद हमें बबल्स दिखेंगे, तो हम समझ जाते हैं कि रिएक्शन हो गई है। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मीन जैसे कि मान लीजिए कि कोई दूध होता है, दूध जब आप उसको गर्म करते हैं उसमें जो मलाई वगैरह आ जाती है, मलाई, तो एक प्रकार से हम उसको प्रेसिपिटेट मान सकते हैं। तो वो ही यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जैसे इसका मतलब है ना कि दूध को गर्म करना केमिकल रिएक्शन हो गई, मैं तो बता रहा था। तो प्रेसिपिटेट जैसे कि मान लीजिए आप जब कॉपर सल्फेट होता है, उसको आप जब गर्म करते तो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट देता। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में बहुत सारे ट्राइट्रेशन जो हम कहते हैं, ट्राइट्रेशन में जो अनुमापन एक प्रैक्टिकल होते हैं 11th क्लास 12th क्लास में करते हैं, तो उसमें क्या ट्राइट्रेशन में करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कलर में चेंज आता है। जैसे अगर उसकी रिएक्शन में देखा जाता है लाइट पिंक कलर में, अगर वो कलर उसका आ जाता है तो मतलब रिएक्शन हो गई है। चेंज इन टेम्परेचर आप बिल्कुल सिंपल समझ सकते हैं, जैसे कि का जो अपना चूना होता है, लाइमस्टोन होता है, उसका आप पानी उसमें डालेंगे तो क्या करेगा, उसमें से वो बहुत गर्म हो जाए, उसका जो कंटेनर रहेगा आप उसको छुएंगे तो फिर बाद में गर्म हो जाए। जैसे आप चूना लीजिए, जो लाइमस्टोन होता है उसको आप किसी एक कांच के बीकर में या मटके में रख दीजिए, फिर उसके ऊपर पानी डाल दीजिए और हट जाइए वहाँ से, तो क्या होगा, वहाँ पे वो थोड़ी देर बहुत उसमें से ना हीट निकलेगी, तो आप ऐसे कंटेनर को आराम से टच करेंगे तो वो गर्म आपको लगेगा। चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज हो जाना, जब स्टेट का चेंज कैसे कि लिक्विड से गैस में चली जाए, गैस से, आप 9th क्लास में आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, जैसे अगर कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती तो वो रिएक्शन कौन सी होती, सब्लिमेशन रिएक्शन होती है। तो इसी तरीके से वो ये सब चीज़ें हम इससे हमें पता चल जाता है केमिकल रिएक्शन आपकी हो गई है। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम आते हैं केमिकल इक्वेशन पे, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन हम किसके थ्रू करते हैं, इक्वेशन, उसकी इक्वेशन के थ्रू। अब यहाँ पे क्या आएंगे, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक प्रॉपर सिंबल के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। तो बस वहीं पर आप जैसे कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसका
जो उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, ऑब्वियसली बात है हम ऐसे कैसे लिखेंगे भाई, कंटेनर में ये हमने ये डाल दिया वो डाल दिया, क्या बना क्या नहीं बना, तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़े, तो उसको हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इसी को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो आपका जो 10th क्लास है बेसिकली जो केमिकल इक्वेशन का रोल है वो बैलेंस को, इक्वेशन को बैलेंस करना, क्या करना, इक्वेशन को बैलेंस। जैसे कि हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगी आपस में तो बनाती हैं H2O, क्या ये रिएक्शन सही? रिएक्शन तो सही है बट ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब क्या होता है आप समझिए, आपने पढ़ा ही होगा जब 9th क्लास में होंगे, आपने जब एक लॉ पढ़ा होगा, तो लॉ में क्या होता है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ था, उसमें क्या था कि जो जितना इन दोनों को क्या बोलेंगे, जो देखिएगा एरो के इस तरफ जो होते हैं इनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो एरो के उस तरफ जो हमें मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो ये कहा गया था कि जो रिएक्टेंट जो होते हैं, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए 10 kg है, तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट भी हमें 10 kg का ही मिलेगा, 20 kg का या 5 kg का नहीं मिलेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू इसमें हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, चीज देखो, अब यहाँ पे बैलेंस करने का मतलब होता है कि इस तरफ जितने भी एलिमेंट लिखे हैं उतने ही उस तरफ होना चाहिए। जैसे इस तरफ हाइड्रोजन कितने लिखे हैं, 2 हाइड्रोजन लिखे हैं, तो इस तरफ भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए। इस तरफ ऑक्सीजन कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं, तो इस तरफ भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम बैलेंस करना सीखते हैं। अब बैलेंस करने में क्या होता है, बच्चे कह रहे हैं कि सर H2 इधर तो H2 इधर, O2 इधर, तो ये लो सर हो गई बैलेंस, बस यही हमने गलती कर दी है। ऐसा हम करेंगे तो हमारा ये जो वाटर H2 को वाटर कहेंगे, वाटर आपका परोक्साइड बना दिया आपने, हाइड्रोजन परोक्साइड बन गए। तो कभी भी गलती ये मत करिएगा, आपको कभी भी बैलेंस करो तो इधर नहीं लिखना है, आपको हमेशा फ्रंट में ही लिखना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। तो देखो ऑक्सीजन 2 हो गया, बट ऑक्सीजन तो 2 हो गया बट इस तरह ध्यान रखिएगा, जब हम इस तरह लिखते हैं तो इनका मल्टीप्लाई होता है आपस में, तो ये हाइड्रोजन आपका 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 हो गया, तो यहाँ भी आप 2 लिख दो, देखिएगा हाइड्रोजन 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, अब हम और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। हाँ, तो देखिए यहाँ पे 2 रिएक्शन लिखी हुई है, 2 रिएक्शन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl तो ये फॉर्म किया है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ब्रेक हुआ है। तो भैया अपन इसको बैलेंस करते हैं, तो देखिएगा मैग्नीशियम लिखा है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक एक लिखें बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, या फिर क्लोरीन आ जाती है, क्लोरीन कितनी है 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितना 1, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा, होगा 2 क्लोरीन। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं 2, देखो इसका मतलब क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है 2 ही ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन 2 नहीं कितना होगा 4, टोटल 4 हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ 2 लिख दूँ, 2 × 2 = 4, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 2, बैलेंस। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम 1 है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं 2 है, तो अगर मैं 2 लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया 2, तो एल्यूमिनियम 2 हो गए, तो यहाँ पे लेकिन 2, 3 या 6 हो जाता है, क्या हो जाए इसका मल्टीपल, 2, 3 या 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गए और 6 ही ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ हमें बैलेंस करना है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि हाइड्रोजन 6, तो अगर मैं यहाँ पे कितना 3 लिख दूँ, 3, 2 = 6, तो हाइड्रोजन 6 हो गए बैलेंस, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3, 3, 3 या 6 हो गए बैलेंस। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ केमिकल, हाँ तो देखिएगा यहाँ पे अब आप आते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपकी टोटल ये 5 तरह की केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, नाम से ही हो रहा है कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, क्या होना कंबाइन। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई भी दो प्रोडक्ट, कोई भी दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जब रिएक्शन कर कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मैं सिंपल सी रिएक्शन यही ले लेता हूँ, जैसे कि H2 + O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो इस तरह इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। देखो कंबाइन, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाए, तो कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ मिलकर एक चीज़ बनाती है, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना। सेकेंड क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का मतलब क्या होना, सिंपल सी बात है कॉम्बिनेशन, डीकम्पोज मीन्स अलग होना, डीकम्पोज होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कोई रिएक्टेंट, जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया,
एक कोई रिएक्टेंट क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। तो जैसे कि इस अगर हम इसको ब्रेक गर्म करते थे CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, मींस यहाँ पे रिएक्टेंट एक है और वो कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, दो में। तो ये डिकम्पोज होगा, ब्रेक होगा, टूट गया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किस में आते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कर रहा हूँ कि जिंक सल्फेट की रिएक्शन में कॉपर से करा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये जो पहला रहता है वो पॉजिटिव रहता है, दूसरा रहता है नेगेटिव रहता है। अब ये कॉपर ये पॉजिटिव है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये कॉपर सल्फेट बना लेगा और ये भाई साहब अकेला रह जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के पास चला जाता है, एक का प्लस दूसरे का माइनस है, वो बेचारा अकेला रह गया। जैसे मान लीजिए ये दोनों बेचारे दोस्त थे, नया बंदा एंट्री मारी, ये दोनों आपस में दोस्त, उसको अकेला छोड़ कर चले गए, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि सपोज करो कि NaCl, एक NaCl है आपका और एक सिल्वर नाइट्रेट है। तो यहाँ पे क्या, ये पहला वाला प्लस दूसरे वाला माइनस, पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से चला जाएगा, मींस NaNO3 बना लेगा और आपका AgCl के साथ चला जाएगा। मतलब सीधी सी बात ये कि ये दो कपल हैं, ये दो कपल हैं, लेकिन हुआ क्या, ये दोनों कपल जब आपस में मिले तो इसकी वाली बंदी इसको पसंद आई, इसकी वाली बंदी इसको पसंद, तो इंटरचेंज हो गए। तो इसका बंदा इसके पास, इसका बंदा इसके पास, तो क्या होगा, NaNO3 और AgCl, आया समझ में। इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। द नेक्स्ट रिएक्शन इज एंड लास्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको थोड़ा समझिएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझना थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा इसको रेज कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, पहले आपको समझना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो उस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस, वो सॉरी ऑक्सीजन गैस ऐड हो रही हो तो अपन उसको ऑक्सीडेशन कह देंगे, या फिर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, हट रही हो हाइड्रोजन, हट रही हो तो उसको हम बोलेंगे आपका रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको हम सब बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैं इसका एक अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, अगर मैं इसको हीट कर दूं तो यहां पे क्या हो जाता है, कॉपर अकेला हो जाता है और ये H2O, तो ये देखिएगा ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, ये ऑक्सीजन क्या हो रही है, इसमें ऐड हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे आपका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन होता है, रिडक्शन मीन्स क्या होगा आपका, हाइड्रोजन। अब रिडक्शन में क्या होगा, वो ये आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन गैस ऐड हो रही हो या ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, यहाँ पे आपका रिडक्शन हो जाएगा। तो हम जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो H2S गैस होती है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो ये बना लेती है HCl और सल्फर आपका अकेला रह जाता है, बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपकी रिएक्शन होगी रिडक्शन, क्या होगी आपकी, ये रिडक्शन। तो पेपर में जो IMP टॉपिक आने वाले हैं वो दो हैं, एक आपका जो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, जिसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एवरीडे लाइफ, जिसमें दो हैं, एक कोराइजन है और एक आपका है रेंसिडिटी। कोराइजन क्या होता है जरा समझिएगा, कोराइजन क्या होता है, कोराइजन का मतलब होता है कि जो मेटल होती है वो स्लोली स्लोली क्या हो रही है, वो मेटल को डिस्ट्रैक्ट कर, मतलब डिस्ट्रॉय कर दे, मेटल को स्लोली स्लोली क्या कर दे, वो डिस्ट्रॉय कर दे, वो कोराइजन कहलाता है। मेटल कोई भी हो सकती, ज़रूर नहीं कि आयरन ही हो, मतलब लोहे में ही जंग लगने का एग्जांपल नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे पीतल भी खराब हो जाती, जो भी मेटल्स होती हैं सब मेटल्स की बात हो रही है। तो लेकिन एक कॉमन एग्जांपल आपका लोहे में जंग लगना रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूँ। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो आपको ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल है, जैसे कि जनरली आपने देखा जो बारिश का मौसम होता है, जो रेनी सीजन होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे आप आयरन रोड को बाहर पटक दें, कहीं भी पटक दें, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे वो जंग लगने लगती, मतलब उसमें एक अलग से वो क्या हो जाती है, एक लेयर जम जाती है, वो लेयर वो खुद की मेटल की होती है, जैसे आप उसको हाथ से हटाएंगे तो वो हट जाती है। जैसे वो रॉड सपोज करो कि वो 10 kg की थी तो उसका 10-20 grams का वजन कम हो गया, तो वो कमी उसी का ही वजन कम हुआ ना, तो धीरे धीरे वो क्या होना, डिस्ट्रॉय होना ही कोराइजन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कोराइजन का,
Fe2O3 into XH2, ये फॉर्मूला होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, Fe2O3 into XH2। अब X मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब कितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं हमें नहीं पता, इसलिए हमने X लगा दिया। तो ये वाला फॉर्मूला होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का। इसके बाद एक और एग्जांपल होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में जो आपके जो खाने के जितने भी फूड वगैरह होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, आपने देखा हो जनरली अगर हम ओपनली उनको छोड़ देते हैं, ओपन बाहर रख देते हैं, तो वो एयर के कॉन्टैक्ट में आकर क्या हो जाते हैं, उनमें फफूंद चढ़ जाती है, वो फूड पॉइजन हो जाता है लोगों को खाना खाने के बाद। आपने देखो चिप्स का पैकेट आता है इतना बड़ा, चिप्स उसमें इतनी सी रहती है, पूरा एयर भरी होती। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए होता है ताकि जो चिप्स पर जो भी ऑयली फूड होता है, जो फैटी फूड होता है, ये सब क्या हो जाता है, अगर ये एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या हो जाता है कि ये ख़राब हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है और ये उनमें फफूद चढ़ जाती है, एक लेयर बन जाएगी, वही लेयर को हम फफूद कहते हैं। तो क्या होगा इससे वो खाना ख़राब हो जाता है, इसलिए उससे उसको बचाने के लिए, रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसमें चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें पूरी बहुत तरीके से नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। आपको पता है नाइट्रोजन गैस होती है ऑक्सीजन का दुश्मन होता है नाइट्रोजन, तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती ताकि उसको हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो वो रेंसिडिटी में आपका खाने के जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उसको उस वो होते हैं, तो रेंसिडिटी उसके अंदर करता है तो कोरोजन में मेटल आता है। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, आपको क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, क्या चीज़ आपको और मुझे इम्प्रूव करना है, क्या मुझे नए टॉपिक क्या बनाने हैं। अगर आप मुझे सजेशन देंगे तो मैं बिल्कुल आपके सजेशन पर वर्क करूँगा और उसको अपने अंदर से इम्प्रूव करूँगा, कोशिश करूँगा कि इम्प्रूव हो। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें, और आपको नया कौन सा टॉपिक चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको नए टॉपिक पर नया वीडियो बना कर दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।